नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रॉनिक। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज जो शेयर मेरे रेडार पर एक और आया है, वो भी मेटल कंपनी का शेयर है, और ये शेयर ऐसा है जिसने लोगों का बहुत ही पेशेंस को परखा है। लोग इसमें पक चुके हैं कि कब ये बढ़ेगा कब नहीं बढ़ेगा, बट ये शेयर सोया हुआ शेयर है जिस दिन ये जागेगा, क्योंकि आज इसने अंगड़ाई ली है अपनी। मगर इसमें अभी भी बहुत अप ट्रेंड बाकी है। डेफिनेटली बहुत अच्छा शेयर है, इसको अपने अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो इसमें आपको अप ट्रेंड ही मिलेंगे हमेशा, और इसमें आपको लॉस नहीं होगा क्योंकि कंपनी हमेशा डिविडेंड भी देती है। ऐसा नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है, जिस दिन ये चलने पर आया ना तो डेफिनेटली आप देखेंगे उस दिन ये भागेगा तेज़ी से, दौड़ेगा। ये शेयर ने आज लिया अंगड़ाई, ठीक है। तो जो शेयर मैं लेके आया हूँ, आज 29 तारीख और टाइम हो रहा रात के 9:30 बज रहे हैं, वेदांता का शेयर। हाँ दोस्तों, वेदांता लिमिटेड का शेयर है। तो देख लेते हैं, आज ये 6.5% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है मार्केट के अंदर। ऐसा क्या हुआ कि ये आज मेटल ने आज फिर अपने लाइफ टाइम तोड़े हैं, मेटल निफ्टी ने आज फिर अपना लाइफ टाइम तोड़ दिया। तो मेटल्स के अंदर अभी और भी अब ट्रेंड बाकी है, क्योंकि जिस तरह से चाइना के अंदर चल रहा है और बाकी इंटरनेशनल के अंदर जिस तरह से मेटल्स की स्टील आयरन की डिमांड बढ़ रही है, उस तरह से हमारी इंडियन कंपनी उनमें ग्रोथ है, और इंडिया के अंदर भी मेटल की डिमांड बढ़ी है, स्टील की डिमांड बढ़ी है, आयरन की डिमांड बढ़ रही है, तो कंपनियों को प्रॉफिट हो रहा है। तो डेफिनेटली कंपनी के प्रॉफिट आप रिजल्ट के अंदर, परसों इसका रिजल्ट आया था 26 तारीख को, उसमें भी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट आया था कंपनी, तो आप समझते हैं कंपनी का ओवरव्यू। तो कंपनी आज ओपन होती है, शेयर ओपन होता है वेदांता का 270 रुपये 70 पैसे पे, और हाई मारता 290 रुपये का, लो मारता 270 रुपये 60 पैसे का, 52 हाई है इसका 296.30 पैसे का, 91 का लो है 52। तो देखिए ये अपना 52 हाई है इसका, बस 10 रुपये ही पीछे है 52 हाई से ही अपने। तो इसका मैं स्कैनर के साइड पर आ चुका हूँ, वेदांता का ये देखिए मार्केट कैप अच्छा है, ठीक है, लाख में मार्केट कैप है 1,07,298 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका इतना चल रहा है, बुक वैल्यू भी सही है इसका, फेस वैल्यू सही है, डिविडेंड दे रही कंपनी, आर ओ भी सही है, यानी कंपनी ओवरऑल सही है, बस कर्जे में थोड़ा बहुत तो कर्जा छोटा मोटा चलता ही है, ठीक है। कंपनी देखिए क्वार्टर रिजल्ट अच्छे दिए कंपनी ने, कंपनी डिविडेंड भी देती है, ठीक है, प्रमोटर अपने होल्डिंग बढ़ा रहा है इस कंपनी के अंदर, लास्ट क्वार्टर से इंक्रीज करिए ये है। बाकी देखिए कर्जा इसके अंदर, करंट लाइबिलिटीज के ऊपर इतनी है, वो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे मूव आएगा कंपनी जिस दिन भाग नहीं पाएगी उस दिन भागेगी। ये देखिए जून के अंदर इसका रिजल्ट आया था परसों, ये 9,871 करोड़ का प्रॉफिट दिया था। पिछले क्वार्टर मार्च के अंदर 9,000 था, इस बार 800 करोड़ का प्रॉफिट अच्छा आया है। ईयर वाइज देखेंगे तो ये देखिए 80% का प्रॉफिट दिया है। ये देखिए जून के अंदर 2020 के अंदर 3993 का प्रॉफिट था, और यही देखिए जून 2021 के अंदर देखिए 9871 का प्रॉफिट है, यानी कि ईयर वाइज ये प्रॉफिट भी है, क्वार्टर वाइज भी प्रॉफिट दिया कंपनी ने। तो देखिए कंपनी ग्रोथ अच्छी है, कंपनी प्रॉफिट आ रहा है, कंपनी की रेवेन्यू सेल बढ़ रही है, सेल भी देखिए डबल हुई है, ऐसा नहीं है सेल्स भी बढ़ी है। तो ओवरव्यू इसलिए इसमें तेज़ी आई है क्योंकि परसों इसने जो प्रॉफिट दिखाया है क्वार्टरली, इस वजह से इसमें तेज़ी आई है, और तेज़ी की वजह क्या है वो भी जान लेते हैं वेदांता की। तो ये देखिए वेदांता जो कुछ चेयरमैन है उनको आज बॉम्बे रतन अवार्ड से प्रोत्साहित किया गया है, ठीक है, और 10% की रैली में चल रहा है ये रैली, जब जब मेटल की रैली आएगी तो उसमें वेदांता नंबर 1 पर रहता है, वेदांता उसमें भागेगा, ठीक है। वेदांता ने इंटरनेशनल लॉन्च किया था, आयरन का प्रो प्रोडक्ट लॉन्च किया है साउथ अफ्रीका के अंदर। तो ये कुछ न्यूज़ आ रही है इसमें लास्ट वीक से, तो देखिए 1 वीक से इसमें न्यूज़ आ रही है और इस वजह से भाग रहा है। अब इसके चार्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, तो चार्ट ये देख लिया मैंने, इसे डेली चार्ट ओपन कर रखा है, तो डेली चार्ट के अंदर देखेंगे ना, ये देखिए आज की डेट पे देखिए बुलिश कैंडल विथ बुलिश वॉल्यूम के साथ, यानी हैवी बुलिश कैंडल ट्रेड हुई है आज की डेट पे। और ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे 7 डेज की और 21 दिन की एवरेज मूव को ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, ये MACD RSI पे ब्रेकआउट दे रहा है, यानी कि देखिए ब्रेकआउट तैयार हो चुका है। इसमें जो मेरा पहला टारगेट आता है, ये देखिए डेली चार्ट पे मैं बताता हूँ, ये अपने ये 3 साल के हाई
ये यहाँ पे चल रहा है, यानी कि मई के बाद से हाई मई के लेवल को टच कर रहा है ये। मगर ये इसके वीकली चार्ट पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये 3 साल के हाई पे चल रहा है इस टाइम पे। ये इसमें जो मेरा पहला टारगेट आएगा वो आएगा 300 रुपये का, दूसरा टारगेट है मेरा 310 का। इन दो टारगेट के लिए बाय करके पैसे से बने रहेंगे, जिसने ख़रीदा वो भी बाय करके पैसे से बने रहें। इसके अंदर काफ़ी अच्छा कंपनी का शेयर है, ये देखिए यहाँ पे, समझ रहे ना दोस्तों। तो दो टारगेट लिए आप बाय करिए 300 रुपये 310 के लिए। आई होप ये वीडियो आपके यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।